हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ईसी एडुकॉम। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में हम किस तरह से फॉल सीलिंग में हम रीसेट स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं 3ds Max वीरे में, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं इस पिक्चर में, हम लोगों ने कुछ ट्रे लाइट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर जो वॉल पे भी मैंने कुछ लाइट यूज़ किया है, तो ये सारे लाइट्स हम किस तरह से 3ds Max में हम बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर ये मेरा पहले से बना हुआ है, तो इसमें हम फिर से नए से मैं पूरा आपको शुरू से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमने फॉल सीलिंग पे काम किया है, मैं ये पूरा ही सीलिंग डिलीट कर रही हूँ और मैं एकदम शुरू से आपको पूरा सीलिंग बनाना, सीलिंग पे लाइट्स किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, वो पूरा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको मैंने डिलीट किया है और यहाँ पर हम एक बॉक्स यूज़ करके मैं एक रूम के डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ। एंड लेट मी गिव दिस डायमेंशन, यहाँ पर मैं हाइट इसका 6 inches हाइट दे रही हूँ, 8 inches का मैं हाइट दे रही हूँ। ओके, गिविंग इट 6 inches ओनली। एंड इसको मैं यहाँ पर किया है मैंने प्लीज। तो जो भी रूम का डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिए। मैं यहाँ पर 8 inches का मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है और जो भी रूम का डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ स्पेसिफाई किया है। अब हम इसको आइसोलेट कर देते हैं और इसको मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जा रही हूँ। यहाँ पर हमारा जो कैमरा सेट है वो मैं कैमरा यहाँ से हटा रही हूँ, जिससे मैं यहाँ से प्रॉपर व्यू में काम कर सकूँ। इस बॉक्स को हम एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं पॉलीगन ऑप्शन लेके इसका जो बॉटम फेस है इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इंसेट करूँगी। इंसेट का आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इंसेट हमें अप्रॉक्स जितना आपको फॉल सीलिंग पे आपको जितना आपका विड्थ देना है आप उसके अकॉर्डिंग आप इंसेट कीजिए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो इंसेट कर रही हूँ, जो भी हमारे फर्नीचर है उसके अकॉर्डिंग मैं इंसेट कर रही हूँ। ओके, आई थिंक दिस मच इज ओके। थोड़ा सा मैं इसको 28 inches इंसेट कर रही हूँ एंड देन ओके। बस अब आपको इसको और कुछ नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है माइनस अंदर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर टोटल मैंने एट इंचज बॉक्स का थिकनेस दिया था, सीलिंग का थिकनेस दिया था। अब इसको मैं -4 कर रही हूँ, हाफ मैंने इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया है। ओके, बस ये हमारा फॉल सीलिंग बन गया है। अब हम इस सीलिंग पे हम लाइट सेट करेंगे। तो वापस मैं इसको आइसोलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट मटेरियल होगा, ये फॉल सीलिंग में लाइट मटेरियल देना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, बस मटेरियल लेना है। मटेरियल में यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले वीरे लाइट मटेरियल बनाया था, तो यहाँ चलिए मैं एक नए स्लॉट में बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा बेस मटेरियल जो भी होगा हमारा, वो हमेशा हमारा वीरे मटेरियल होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं रीसेट कर देती हूँ मटेरियल स्लॉट्स को। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा बेस मटेरियल होगा, यहाँ पर ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है 3ds Max 2021 वर्जन। आप किसी भी आप वर्जन पे जाइए, वहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे ये फिजिकल मटेरियल आ रहा है, आप इसके लोअर वर्जन में यदि जाते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आता है। तो आपको जस्ट वहाँ पर टिक करना है और आपको यहाँ पर वीरे ऑप्शन मिलेगा। यदि आपने वीरे रेंडर सेटअप किया है तो यू मस्ट रिमेम्बर कि आप मटेरियल करने के पहले आप रेंडर सेटअप कर लीजिए, अदरवाइज वो आपको ये वीरे का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा रेंडर सेटअप, और जो आप रेंडरिंग करेंगे तो उसका आपको लुक भी नहीं मिलेगा। यदि आप रेंडर सेटअप के ऊपर आपको कोई वीडियो आप
इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी वीडियो ऑन रेंडर सेटअप तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, मैं ज़रूर रेंडर सेटअप के ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप जस्ट यहाँ पर वीरे पे जाइए और यहाँ पर जो वीरे लाइट मटेरियल है, वीरे लाइट MTL आप देख सकते हैं, इसको बस ओके कीजिए। और यहाँ पर आप चाहे तो लाइट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यदि आपको येलोइश लाइट चाहिए तो आपको येलोइश मिल जाएगा, तो आपको जिस तरह का लाइट कलर चाहिए, ब्लूइश में चाहिए तो आपको ब्लू कलर में मिल जाएगा, तो जिस तरह के भी आपको लाइट कलर चाहिए आपको लाइट कलर यहाँ दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं वाइट ही मुझे चाहिए है तो मैं वाइट ले रही हूँ। और यहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी आपको कितना देना है उसके अकॉर्डिंग आप लाइट का इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि 2 कर रही हूँ, 2 करके मैंने बस अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वापस हमने पॉलीगन ऑप्शन लेना है और ये जो इसके जो थिकनेस है इनके ऊपर आपको सिलेक्ट करने हैं। और मैं चारों फेस को एक साथ सिलेक्ट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमको ओके, इसके पहले मैं एक पूरे जो सीलिंग है उसके ऊपर एक टेक्सचर दे देती हूँ। तो मैं जैसे एक वाइट कलर का एक कलर दे रही हूँ, तो बेस मटेरियल वीरे MTL और मैं यहाँ पर जस्ट एकदम प्योर वाइट सीलिंग दे रही हूँ। तो मुझे बस और कुछ नहीं करना, तो मैं इसके ऊपर पहले तो मैं ये वाला पूरा मटेरियल वाइट जो वीरे मटेरियल मैंने बनाया है उसके ऊपर मैंने असाइन कर दिया है। अब ये लाइट मटेरियल के लिए हमको ये पॉलीगन ऑप्शन लेके ये जो चार फेसेस हमने सिलेक्ट किए थे इन चार फेसेस पे हमको ये लाइट मटेरियल असाइन करने हैं। ओके, सो डन, नथिंग एल्स नीड टू बी डन। अब यहाँ पर जो हमने सीलिंग पे जो हमें लाइट्स फिट किए थे तो वो हम लाइट्स बना लेते हैं। तो लाइट्स बनाने के लिए भी आप जिस भी आपको शेप में लाइट चाहिए है उस शेप का आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने टॉप व्यू से मैं एक सिलेंडर बना रही हूँ, जिस तरह से भी जिस साइज़ के आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एक सिलेंडर बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच का एक मैंने सिलेंडर बनाया है और इसका जो हाइट है वो मैं 0.5 दे रही हूँ। तो यहाँ से आप मैं इसको मूव कर रही हूँ। ओके, अब इसके ऊपर भी हम लोग सेम वीरे लाइट मटेरियल ही असाइन करेंगे। तो जस्ट आप इसको वीरे लाइट मटेरियल को आप असाइन कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है, और इसको आपको कॉपी करके आप जस्ट सेट कर दीजिए जहाँ जहाँ पे आपको जितने भी लाइट्स चाहिए हैं। तो इंस्टेंस रखिए जिससे आप यदि कोई भी लाइट का इंटेंसिटी आपको चेंज करते हैं तो सभी में वो चेंज हो जाए। ओके, तो सिमिलरली मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड को भी मैंने इसको कॉपी कर दिया है। ओके, 1, 2, 3। दिस लास्ट वन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने क्योंकि कैमरा इस साइड से सेट किया है तो मैं सिर्फ इसी साइड के मुझे जितने भी लाइट्स चाहिए मैं उतने ही मैं सेट कर रही हूँ। ओके, डन। इस साइड का मुझे व्यू मिलेगा नहीं तो मैं इस साइड में और कोई कैमरा नहीं सेट कर रही हूँ, लाइट्स नहीं दे रही हूँ। तो दिस इज़ डन। अब हम वापस आ जाते हैं। सिमिलरली हम मैंने यहाँ पर जो वॉल में हमने जो किया था वो सेम प्रोसेस में मैंने किया था। तो यहाँ पर जो वॉल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा बैक वॉल है इसको यदि मैं आइसोलेट करती हूँ तो सेम प्रोसेस मैंने इसमें भी यूज़ किया है। मैंने पूरे जो भी मेरा ये पूरा एक वॉल है इसको मैंने वाइट टेक्सचर दिया है, वाइट कलर जस्ट वीरे मटेरियल वाइट कलर दिया है। मैंने फेस सिलेक्ट करके इसमें थोड़ा सा मुझे इसको एक्सेंट वॉल बनाना था तो इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए दूसरा कलर दिया है। और ये वाला जो फेस है, ये जो चार फेस है इसमें वापस जैसे हमने फॉल सीलिंग में किया है सेम उसी तरीके के हमने वीरे लाइट मटेरियल यूज़ किया है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, वीरे लाइट मटेरियल एक बहुत ही अच्छा सा लुक लाता है। सो दिस इज़ डन और हमको कुछ भी नहीं करना है, मेरा कैमरा ऑलरेडी सेट है। लेट्स टेक द कैमरा व्यू और चलिए अब हम रेंडर करके देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। ओके,
तो आप देख सकते हैं किस तरह से वीरे लाइट मटेरियल से ही, मैंने सिर्फ वीरे लाइट मटेरियल यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने कोई भी दूसरा लाइट यूज़ नहीं किया है। वीरे लाइट मटेरियल से रूम में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस भी है। मैंने एक वीरे लाइट यूज़ किया है यहाँ पर लैम्प में, उसके अलावा और दूसरा मैंने कोई भी वीरे लाइट यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने सीलिंग पे और जो वॉल पे मैंने वीरे लाइट मटेरियल दिया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस ऑलरेडी है। और लैम्प में मैंने एक वीरे लाइट दिया है। यदि आपको लैम्प का आप चाहते हैं कि लैम्प मैंने किस तरह से बनाया है, लैम्प का लाइट के ऊपर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस लैम्प के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आई बटन पे मैं लिंक भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस लाइट मटेरियल इज़ गिविंग द लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है फॉल सीलिंग में लाइट पुट करने का। आप किसी भी शेप में आप फॉल सीलिंग, कोई भी डिज़ाइन का फॉल सीलिंग आप बना सकते हैं, और जो आप उसके फेस पे यदि आप लाइट मटेरियल दे देते हैं वीरे लाइट मटेरियल, देन इट विल गिव अ वंडरफुल लुक। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।